केतड़ी की गौशाला में रविवार को एक साथ 19 पशुओं के मरने का मामला सामने आया है। गौशाला में एक साथ 19 पशुओं की मौत के बाद अब प्रशासन की ओर से जांच भी शुरू करवा दी गई है। पंचकूला के केतड़ी स्थित श्री कृष्ण गौशाला में हादसा हुआ है। हालांकि अभी तक इस मामले में पशुओं की मौत का कारण का पता नहीं लगा है। फिलहाल अधिकारियों की ओर से यही बताया जा रहा है कि पशुओं की फूड पॉइजनिंग से मौत होने का पता लग रहा है। वहीं अब पशुओं की मौत का कारण पता करने के लिए इन सभी पशुओं का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। यहां रहने वाले अन्य पशुओं की भी जांच की जा रही है और उन्हें दवाई दी गई है। इतनी संख्या में तड़प तड़प कर पशुओं के मरने से यहां की स्थिति विकट हो गई। शाम की घटना हुई, लगभग 4:30 बजे के आसपास। क्या हुआ था पता चला? खड़े खड़े बछड़ा गिर गया जी, तो डॉक्टर को बुलाया गया, ऐसे कैसे हुआ तो आगे देखा तो उनके मुश्किल में से झाग निकल रहे थे। तो डॉक्टर ने बोला जी तो फूड पॉइजनिंग के लक्षण है, तो फिर मेडिसिन मंगाई, दो का ट्रीटमेंट किया, लेकिन वो पहचान नहीं पाए। फिर जब बीमारी को देखते हुए और डॉक्टर को बुलाया गया, पूरे पंचकूला की टीम आई थी डॉक्टरों की, तो उसको पहचाने में लगे हुए। इन्फेक्शन बहुत गाय में फैला हुआ था। कितने की जो है लगभग लगभग 40-50 गाय में इन्फेक्शन था, तो 18-19 की डेथ हुई है। तो उसमें गाय कितने और बछड़े कितने और सांड? गाय दो हैं जी, सांड 11 हैं, बछड़े 6 हैं। तो स्थिति काबू में है? हाँ जी, सारी स्थिति कंट्रोल में है। मैंने बोला असगंधरी के अपने सुखदेव राठी जी जिसकी डॉक्टर वो खुद आए थे, एडमिनिस्ट्रेटर को भी सूचित कर दिया था, वो भी खुद आए थे, जायजा लेके गए थे। रात 9:30 बजे के आसपास कंट्रोल में आ गई थी। तो क्या कारण था? फूड पॉइजनिंग? फूड पॉइजनिंग है जी, को बाजरे की रैली आई थी उसकी वजह से फूड पॉइजनिंग हुई, बाजरे के कारण हुई।